यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर। सर 41। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को। काहे? बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले होगा बिल्कुल। सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क ही नहीं है, हंस रहे। और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो, तुम्हारे मुंह से आती बदबू। हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो हम कही रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है। तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी। हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया कह के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा। अच्छा नहीं, एक शिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक हैं? बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं है। लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे हैं, हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, ये सोए रहते हैं, कहते चलो भैया जाओ घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके, यहाँ से है तो फिर अंगाते अंगाते उठते तो फिर जो है कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं एक बार तो ये जो है उंगाते उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे तो जीना पे गिर गए धड़ाम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट्स तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हसना। और तुम, पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो। नहीं तो सर। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब? मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हैं? अरे इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जरा देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े तो हैं। तुम खड़े हो? मतलब तुम तब से खड़े हो? हाँ वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े होके, कुर्सी पे खड़े होके, टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। सर कर चुके हैं ये काम, लेकिन सर बच्चे हंसने लगते हैं फिर। तो आप एक काम कीजिए, अपने पैरों के नीचे तो बांस बंधवा लीजिए, तो इससे क्या होगा आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बेवकूफियत है, क्या बेवकूफियत बता रहे? नहीं ये क्या बेवकूफियत बता रहे? मतलब कोई आदमी अगर बांस बांधेगा तो खड़ा हो पाएगा? डिसबैलेंस होके खोपड़िया नहीं फुटवा लेगा? अजीब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सज्ञान? नहीं कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे।
नहीं नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए। मैदान में आइए। यहीं बताइए। बैठ जाइए बैठ जाइए, नहीं तो मैदान में दोनों को भेज देंगे कुश्ती लड़ लेना वहां पे जाके, फिर एक दूसरे खोपड़ी फोड़ के आना हमारे पास। नहीं तो आप इनको समझाइए ना। इनको क्या समझा दे, हम मेन लड़ाका तो तुम हो, आपको इसीलिए बुलाया गया था। कल किसी के गार्जियन आए थे, सही सलामत आए थे, लंगड़ाते हुए गए हैं। हमें पता चला मारपीट हुई आप दोनों में, मतलब हद हो गई। ये हालत चल रही हमारे स्कूल की। तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा बताए दे रहे हैं। हरकतों में अगर सुधार नहीं हुआ तो नौकरी से निकाले जाओगे, फिर भीख मांगना सड़क पे। ए रबड़ है, रबड़ है, यहां किसी के पास रबड़ है? रबड़ का क्या करना है तुमको? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? हमारी जिंदगी तो पहले बिगाड़ चुके हो तुम, अब क्या बिगाड़ना है? अरे गलती दिख रहा है वही सोच रहे हैं बिगाड़ ले। चलो कोई बात नहीं, थूक से बिगाड़ लेते। क्या थूक? हाँ थूक से। पागल हो क्या? बिल्कुल थूक से बिगाड़ जाता है। छी, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पागल हो बिल्कुल। तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूक से बिगाड़ा है। कहाँ कब? आपके रजिस्टर में लिखा था प्रिंसिपल का नाम लिखो, हमने धोखे में अपना नाम लिख दिया, फिर थूक से मिटारा, फिर आपका लिखा। थूक से बिगाड़ने में दिक्कत क्या है? इतना गिनप्पन मेरे नाम के नीचे मेरे रजिस्टर में, हमेशा से बिगाड़ते आ रहे हो तुम। इतनी दिक्कत की क्या बात? चुप रहो तुम। आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं? पूरी दुनिया बिगाड़ती थूक से, पूरी दुनिया थूक से बिगाड़ती है। और क्या? लगता है सभी को थूक से एलर्जी है। चलो अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी, अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी। आंखें तो खुली हैं सर जी।